तो गाइस शाम के टाइम देख रहे हो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है वहाँ पर सामने की तरफ। मैं इस टाइम पे हूँ एनआरआई स्कूल तरफ और रेलवे के पास जाने का रीज़न है, नौरा कल हम काम करवा कर आ चुके थे, इसकी फुल सर्विस हो चुकी है, पूरे वायर वगैरह सब चेंज हो चुके हैं, मतलब टॉप नॉच गाड़ी हो चुकी है और ओरछा राइड के लिए रेडी है। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए डीआरसी कस्टम्स के पास। और गौरव भाई हालत पतली लग रही है आपकी, क्या हो गया? और करण भैया हाँ भाई क्या हाल है? एक नंबर बढ़िया भाई, खोल लेना इसी को सही करवा दे। तो गाइस काम चालू हो गया बैनली पर, क्या क्या दिक्कतें आ गई भैया? कुछ नहीं, क्लच केबल है बस, क्लच केबल है बस, क्लच केबल है और ये वाला फुटरेस्ट। ओके ये वाला फुटरेस्ट और क्लच केबल में काम होना चेंज होना है तो ये भी होगी। गाइस केबल चेंज हो चुकी है, वाइब्रेटेड हो जाती है फिर अपने सेटिंग नहीं बचती बिल्कुल। देखो भाई चालू हो गई है, क्लच वायर चेंज हो चुका है, अब चेन लुक चेन क्लीन करा रहे हैं और एक फुटरेस्ट ये वाला चेंज होना है जो थोड़ा सा बैंड होकर मुड़ गया था। स्लाइडर फ्रेम स्लाइडर्स में लगा रहे हैं, चेन लूप चेन क्लीन और इसका एक फुटरेस वाला जो दिख रहा है ना ये चेंज होना है। हमारी नौरा तो ऑल साइड है ओरछा राइड के लिए, बहुत मज़ा है। और यहाँ पर एक पैनली 300 है जो बन रही थी जब मैं आया था नौरा की सर्विस के लिए, तो बन के रेडी हो चुकी है ये। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इस पे काम हो रहा था, एक ऑफ रोड व्हीकल बन रहा था, इस पर हैंडल ग्रिप्स भी लग चुके हैं, टायर लगा था ऑलरेडी, इंजन पे पूरा काम हो चुका है, बैटरी लग गई है। और यहाँ एसी का एग्जॉस्ट लगा है, रफली का होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, और ये पूरा हैंडमेड बना हुआ है पूरा पाइप। देखो यहाँ वेल्ड है, यहाँ वेल्ड है, पूरा हैंडमेड काम किया है इस पर। लेकिन इसका जो टायर आगे का बहुत सेक्सी टायर है। तो भाई लाइट जला के देखते हैं, ये वाइट है ये किस चीज के लिए काम में आती भैया? ये मिनी ड्राइव है, हाँ इस पे लगी है, विपुल की गाड़ी पे भी लगी रहती है, ये छोटी वाली है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, वही वाली ठीक है, वही लगने दो, लगवा रहे हैं तो थोड़ा काम तो आए, वही काम में आनी चाहिए चीज़ें। सो गाइस ये देख रहे हो जो ये लगा हुआ है पूरा टूट चुका था, इसको वापस से पार्ट को बनाया है और इसमें फिक्स करा है यहाँ पर अभी। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा फ़ोन होल्डर लगाया नया वाला, वो बड़ा वाला था, ये बहुत बल्कि था और हाई स्पीड पे मुड़ जाता था प्लास्टिक का, तो ये चेंज कर दिया है, उसमें फास्ट चार्जिंग भी है 3.0 और फ़ोन कहीं जाने नहीं वाला है। और यहाँ पर अभी भैया ने बोल्ट खोले हुए हैं, तो ये जो फ्रेम स्लाइडर था इसकी थोड़ी कटिंग करके अब इसको इस साइज़ का बना दिया, तो ये फ्रेम स्लाइडर भी इस पर लग जाएगा यहाँ पर, देखो इस टाइप से फ्रेम स्लाइडर इस पर लगेगा। और अभी इसकी चेन क्लीन हुई है, अभी थोड़ी देर बाद इसको वॉश करके फिर लूप भी कर देंगे। एंड देन यहाँ पर एक लाइट रखी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जला के दिखाई थी वहाँ पर, तो ये लाइट लगी है, तो लाइट भी इसमें फिट होने वाली है, तो बिल्कुल ये ओरछा राइड के लिए एक नंबर रेडी होने वाली गाड़ी, तो धूम मचाने वाले हैं गाइस। और इसी साथ अभी अपने वीडियो लाइक नहीं हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मज़ेदार है। इसका साउंड सुनाएंगे हम आपको जाते जाते। और वहाँ पर एक और बैनली खड़ी हुई है TNT, यानी ये प्रॉपर आप टूरिंग बैग बोल सकते हो इसमें, पूरा देखो बैग वगैरह यानी दोनों तरफ इसमें लगे हुए आपके डब्बे, टॉप बॉक्स है और साइड बॉक्स भी हैं जिसमें आप पूरा सामान रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग मशीन है यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक इंटरसेप्टर 650 है, ये भी चलाई थी हमने उदयगिरी राइड पर, जैसी पाजी गाड़ी ये बहुत मस्त जाती है, 160-170 तो मत पूछो भाई, एकदम रॉकेट है, रॉकेट ही गाड़ी एकदम से सट से स्पीड पकड़ती है। और यहाँ पर आपको दिखाया था मैंने कि गाड़ी बन रही है अभी पूरी, पिछले ब्लॉग में भी दिखा होगा जब हम नौरा की यहाँ सर्विस कराने आए थे, तो ये गाड़ी पूरी कंप्लीट नहीं थी, अभी बहुत कुछ इसमें चीज़ें चेंजेस वगैरह हो चुके हैं,
एससी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और देखो पल्सर का इंजन है, पल्सर पे बन रही है, बहुत मस्त अमेजिंग होने वाली है। इसका फाइनल आउटपुट ही हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी। और पिछले वीडियो में भी आपने देखा था यहाँ पर एक डुगाटी स्क्रैम्बलर थी, तो इसका इंजन पूरा रिबिल्ट होने वाला है, इसका इंजन पे काम आ चुका है, ये रिबिल्ट होगा इसका इंजन पूरा। और यहाँ पर एक हायाबूसा का सामने का मास्क रखा हुआ है जो कि आई थिंक एक्सीडेंट हुआ होगा, ये देखो, और ये टूट चुका है, ये देखो ये क्रैश में गया है पूरा। और यहाँ पर टायर रखे, देखो 200-180 सेक्शन के टायर भी रखे हुए हैं, ऑफ रोड वाले भी हैं। और गाइज इसके अंदर अब सील कवर लगा रहे हैं, तो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा अभी तक कि बहुत, मैं भी कुछ पहली बार देख रहा हूँ, नई चीज़ है। और जो आपकी ये सील रहती है लीक होने से बचाती है, क्योंकि इस पर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, देन हम गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर जैसे डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो ऑयल सील ब्रेक हो जाती है, तो बहुत नुकसान ही होता है, तो इसको बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सील कवर। गाइस काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो पूरी वायरिंग अभी फिट हुई है, एंड देन ये लाइट लग चुकी है यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर, और क्लच जो वायर था वो काम भी हो गया है। ये देखो भाई गाइस लाइट देखो आप, झमाझम बिल्कुल झमाझम वहाँ तक जा रही है बिल्कुल। आप कहाँ जाओगे? ओरछा ही जाएंगे, सीहोर जाएंगे अभी तो। सही है भाई, आपको तो माला ले के जाऊंगा। सो गाइस देखो कैसी लग रही है लाइट, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग। सामने से लाइट देख लो तो कुछ देखो ही, कोई दिख ही नहीं रहा है सामने से लाइट में। हाँ सही, तो कुछ देख लो, दिख ही नहीं रहा कुछ। ऑल डन भाई, सारा काम हो चुका है गाड़ी में, तो मैं आपको वापस से एक ही करके बता देता हूँ। चेन ल्यूब चेन क्लीन हुआ है, पूरा वायरिंग हुआ है, ये लाइट लगी है यहाँ पर, फ्रेम स्लाइडर लगे हैं, एंड इसका क्लच वायर, और ये मोबाइल होल्डर विद चार्जर। और इसी के साथ ये हमारा जो टूट गया था फट, इसको सही करवाया, तो आज ये सारा इस गाड़ी में काम हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसके लिए आएगी बेंटली 600 के लिए, वो आपके लिए आएगी, इसकी फुल सर्विस हम लोग करवाएंगे यहीं पर BRC कस्टम करंट के पास में। तो बने रहना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो, और कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। तो ये थी बेंटली 600 की, जो हमने थोड़ा आज काम कराया था आपके लिए, हम जो दिखा देते बाकी को, और ये बेंटली गाइज़। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं लेकर आता रहूँगा आप सबके लिए इसकी धमाकेदार वीडियोस, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। फिर ओके, बाय बाय।